फुल पानी पानी लग गया फोन पे भी मैं। और गाइस ये स्विमिंग पूल की निचाई हो रहा है। हेलो दोस्तों, गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बे यार बेकार हो गया, कुछ नेक्स्ट लेवल सीना सोची ना होगी। हेलो दोस्तों, गाइस वेलकम बैक। अरे मिंकू भाई आप फाइनली नया तो ले लेकिन कंघी तो कर लेते बालों पर। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सारे बढ़िया हो गए। तो सो गाइस लगभग मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, इसके लिए सॉरी। तो भाई आज का हमारा प्लान है स्विमिंग पूल जाने का, तो फटाफट मैं तैयार भी हो गया हूँ। तो बाल वगैरह थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अभी और बढ़ाने हैं, तो लग नहीं रहे होंगे कंघी करे हुए। तो अभी पहले मैं गली में जाता हूँ, मेरे साथ जगह अतुल और रजनीश, तो बाकी कोई जाएगा तो देख लेंगे, लेकिन अतुल रजनीश तो जाएंगे ही जाएंगे साथ में। तो चलो चलते पहले उनके पास गली में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वैसे तो साथ में मैंने एक ये निक्कर भी ले लिया अपने नहाने के लिए और ये तौलिया, तो ये ले जा रहे साथ में। सहायक सामग्री है ये, सहायक मतलब ज़रूरी है ये चीज़ें। वैसे फाइनली मैं गली में भी आ चुका था। तो भाई रजनीश तो अभी इस समय पर गली में है नहीं, अभी वो घर पर है शायद मेरे हिसाब से। तो अभी पहले जाता हूँ उसे घर पर, बुलाता हूँ घर पर जा करके। और अतुल भी घर पे ही है, तो अभी चले दोनों जाएंगे मेरे साथ। तो जाता हूँ फिर रजनीश के घर जाता हूँ। वाइस फाइनली रजनीश भाई घर पे भी आ चुके थे। तो ये रजनीश भाई का रूम है, बढ़िया सा फुल एंटिक बना रखा है। तो बैग वैग फुल तैयारी ले, अबे इसे भी तो धर, तौलिया है इसके अंदर, ठीक है। तो बस सहायक सामग्री अपनी फुल रेडी कर चुके हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अभी अतुल घर पे है, अतुल ओ भाई कच्चे फट रखे हैं सारे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो अतुल भी अभी आने ही वाला थोड़ी देर में, तो फिर अभी पहले हम गली में जाकर के बैठ जाएंगे, उसका वेट करेंगे। फिर वो जैसे ही आता है फटाफट से निकलते हैं, वो बढ़िया से जाकर के फुल स्नान करते हैं, फुल पाप वगैरह धोते गंगा जी नहाने जा रहे हैं। तो गाइस तो जैसे कि फाइनली अतुल भी आ चुका है और रजनीश तो आई अपने साथ में, तो फाइनली निकल चुके हैं हम स्विमिंग पूल जाने के लिए। तो उत्तम नगर में स्विमिंग पूल अभी निकल रहे हैं, बस यहाँ से बैठेंगे बस में जाकर के, फिर निकलेंगे उत्तम नगर के लिए। गाइस तो जैसा कि फाइनली आ चुके हैं बस स्टैंड पे, तो ये रहा बगल में बस स्टैंड। तो अभी यहाँ से उत्तम नगर के लिए बस पकड़ते हैं, फिर उत्तम नगर में स्विमिंग पूल है कहीं पर, हमें भी नहीं पता, लेकिन मैं कॉल मार के किसी से पूछूंगा कि भाई कहाँ पर है, तो फिर वहाँ पर जाकर के मस्त नहाएंगे। तो भाई जैसे कि फाइनली बैठ चुके हैं बस में, तो ये रहा तो इधर बैठा है रजनीश, ये रहा तो मैं भी। तो अभी तो स्टैंड भी बस रुकी हुई है, तो ये बस गाड़ी वगैरह चल रही है इधर। चुप कर फुल गाने चलते हैं बॉर्डर वाली बस में। गाइस तो फाइनली उतर चुके थे उत्तम नगर, तो अभी यहाँ से हमें जाना है पिलर नंबर 706 पर। तो फिर पिलर नंबर 706 पर जाने के बाद फिर हमें वहाँ से जाना है राइट लेकर के आर्यन स्कूल के पास। आर्यन स्कूल के बगल में ही स्विमिंग पूल है, तो चलते हैं वहाँ पर फटाफट से, फुल ठंडा पानी वगैरह पी रहे हैं गाइस। तो गाइस तो जैसे कि मैंने 1.5 साल से व्लॉगिंग नहीं किया, तो लास्ट टाइम मैंने 1 साल पहले ब्लॉग बनाया था अपना, तो उस समय पर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, तो जो कि घट के अब 5 लाख पर आ चुके हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम दोबारा 1 मिलियन कर देंगे भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो अभी जा रहे हैं बस, कहाँ पर जा रहे हैं, पिलर नंबर 706 पर, तो वहाँ से जा करके आर्यन स्कूल के अंदर जाना है। तो चलो चलते हैं। उत्तम नगर उत्तम नगर उत्तम नगर। नगर प्लेन नंबर 657, फिर वाला 58, फिर 59, ऐसे ऐसे करके हमें लगभग 706 तक चलना है। तो गाइस तो अतुल हमें बोल रहा है कि हमने जावड़ी साइड से आके गलती कर दी, हमें द्वारका साइड से आना चाहिए था, तो अभी यार बहुत पैदल चलना पड़ेगा। अभी तो 661 आया है, अभी तो हमें 706 जाना है। तो गाइस तो अभी आया 670 प्लेन नंबर, तो ये पिलर बाई पिलर हैं, ये 1 2 ऐसे करके, अभी ये है 68 69 70, तो
अभी भी हमें यहाँ से लगभग चलना है 36वें फ्लोर पर पहुँचना है हमें, तो वहाँ से जाना यार बहुत गलती हो गई इधर डाबी साइड से आकर के। अतुल द्वारका से आना चाहिए था ना हमें, द्वारका साइड से आते तो फ़ायदे में रहते, तो यहाँ से थोड़ा घाटे में चले गए। लेकिन कोई नहीं, पैदल भी चलना चाहिए शरीर के लिए। गाली नहीं, गाली ब्लॉग में गालियाँ नहीं, तो अपना ब्लॉग बिना गाली वाला होता है, तो बाकी सब गाली वाले भी बनाते, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी जा ही रहे हैं भाई, ये दोनों तो चप्पल में आए हैं, मैं आया हूँ जूते पहन करके, तो भाई पैर वैर कटने का भी डर है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कम से कम 100-150 डिग्री टेम्परेचर पार हो रहा है, तो चल रहे हैं बस। जूते एक एक नंबर है भाई यहाँ पर उत्तम नगर में। सो गाइस, फाइनली पिलर नंबर 700 है ना, 1 2 3 4 5 6 क्या बोल रहे हैं। उसके बाद अपना स्विमिंग पूल जेरा, पिलर नंबर 706। बस तो फाइनली ले लिया है, चुप रहो यार, 2 मिनट काले हो गए कि पीले हो गए, अब तो होना ही है जो होना। 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिए हम, तो मजे में चल लिए तो पता भी नहीं चला, तो फाइनली ले चुके हैं पिलर नंबर 706 से राइट। अबे चुप रहे ना यार, बोल दे कुछ, रुक तेरे को बताते तेरी भाई, तेरे भाई फिर कर रहा है हरकत। तो राइट ले लिया फाइनली पिलर नंबर 706 से, तो अभी जा रहे हैं आरन स्कूल के इधर, फिर उससे वहाँ से उसके बाद घुसना स्विमिंग पूल में डायरेक्ट। इतनी खुशी ही रजनी बोली। सो गाइस, फाइनली आ चुके हैं आरन स्कूल और आगे ये रहा स्विमिंग पूल, तो इसी में जाना है अंदर। सो गाइस, तो फाइनली पहुँच चुके हैं स्विमिंग पूल, देख सकते हो आप, इतना तो रियलिटी में एंटीक नहीं लग रहा जितना कैमरे में लग रहा है वो। बस जैसे कि फाइनली पहुँच चुके स्विमिंग पूल, तो अभी एक बज के भी 20 मिनट हो रहे थे, तो अभी 1:45 पर ये जो नहा रहे हैं अभी वो निकलेंगे बंदे, फिर उनके बाद हमारी एंट्री की जाएगी, जितने भी बाहर यहाँ पर खड़े हैं बंदे सारे, तो अतुल वगैरह भी वहीं खड़ा है, अभी वहाँ पर एंट्री वगैरह करेंगे बढ़िया से, तो अभी चलते हैं बाद। तो भाई जैसे कि फाइनली एंट्री भी करा चुकी है अतुल ने, तो अभी बस 10 मिनट बाद हमारी एंट्री हो जाएगी अंदर, तो बस उसके बाद नहाएंगे फुल बढ़िया तरीके से। मतलब 2 कॉस्ट्यूम खरीदने पड़ गए अतुल को और रजनीश को, मैं तो लेकर के आया था अपना निकर, तो एक निकर लाने का फ़ायदा हुआ, क्या हो गया छोटू। फुल भीड़ लग चुकी है यहाँ पर भाई साहब, फुल बसड़, फुल ही बसड़ हो रही है भाई यहाँ, फुल जूते वगैरह उतार रहे हैं भाई, बहुत गर्म हो रही है नीचे ज़मीन भाई, बहुत गर्म हो रही है, धूप ही इतनी पड़ रही है हाथ, तो फिलहाल 3 दिन से तो वो भाई फटा हुआ मोजा दिख गया। तो भाई सब फाइनली एंट्री कर चुके हैं, अभी मजा आएगा ना, तो कपड़े वगैरह उतारते हैं उसके बाद चलते हैं फिर बढ़िया से नहाने के लिए नीचे। ये रहा पीछे स्विमिंग पूल, है पानी 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 पानी, और तुम भी सानी 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 सानी, आ जाओ तो बीच यार फोटो मेरी खींच, कितनी किस्मत होगी तेरी कर तू नहीं है बात न मानी। ओ भाई मेरे को यार बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है यार। फुल पानी पानी लग गया फोन पे भी, मैं तो अभी जा रहा हूँ अंदर ब्लॉग बंद करके। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। कह दो ना हमें आज तो, दे दो ना एक बात तो छेड़ो। और गाइस ये स्विमिंग पूल के नीचे आ गया हूं, ओए भाई ओए भाई, मतलब तेरी ओ जब नहीं रे। तो बस फाइनली नहा लिया सबने, तो अब जा रहे हैं घर की तरफ जाएंगे, घर की तरफ ही जाएंगे, लेकिन अब दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो अगर आपको भी आना है यहाँ पर स्विमिंग पूल में, तो आइए उत्तम नगर में, और उत्तम नगर आने के बाद पिलर नंबर 706 से राइट और आर्यन स्कूल ले रहा, आप किसी से ही पूछ सकते हो, कोई बता देगा आर्यन स्कूल कहाँ पर है, तो उसी के बगल में स्विमिंग पूल है, मतलब स्कूल की साइड से ही स्विमिंग पूल है वो। तो गाइस सब ने स्ट्रिंग ले ली थी अपने लिए, रजनी सब नहीं दिखा अतुल अपनी, तो निकल रहे हैं बस यहाँ से अतुल तेरे को। तो गाइस फाइनली बैठ चुके ग्रामीण सेवा में द्वारका मोड़ के लिए,
5-5 रुपए सवारी। तो गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं द्वारका मोड़, तो अभी यहां से कौन सी बस पकड़ेंगे? मार्केट करेंगे कपड़े, पहले अतुल को कपड़े लेने, तो अतुल कपड़े वगैरह लेगा थोड़े, उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे। ये लगे लोअर वगैरह, तो अंदर अतुल गया है यहाँ पर अंदर लेने के लिए कपड़े वगैरह, तो हम बाहर ही खड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे अंदर जा करके, तो अब सीधा घर की तरफ ही निकलते, कुछ कुछ खाएंगे पियेंगे भी। अभी पहले अतुल तो अपना ले रहा है कपड़े वगैरह, लोअर ले रहा है, वो लोअर टी शर्ट वगैरह तो जैसे ही ले लेता है, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। खाना खाना कह रहा हूँ, देख तो ले, छोले भटूरे वगैरह खाएंगे, कुछ जंक फूड टाइप का, इससे जंग लग रहा है। 5 का सिक्का गिर गया भाई, उठा उठा। अबे बाबे यार, इसी चीज के पीछे तो दुनिया पागल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कमेंट करके बता देना। फाइनली अतुल ने ले लिया अपना लोअर वगैरह जो भी है, फिर अब जाते हैं बस, थोड़ी थोड़ी ढूंढते हैं छोले भटूरे की दुकान, तो छोले भटूरे खाते हैं भाई, बहुत मन कर रहा है, काफ़ी दिन से नहीं खाए। लास्ट पिछली बार एक ब्लॉग में खाए थे, मतलब ब्लॉग में भी क्या, ब्लॉग के बाद भी एक और बार खाए थे बस, उसके बाद नहीं खाए अभी तक भटूरे। अभी जा रहे हैं बस ढूंढेंगे दुकान कहीं, भाई समोसे वगैरह लगवा रहे हैं, भटूरे नहीं खा रहे क्योंकि टाइम हो गया, भटूरे इस समय नहीं मिलते दिल्ली में, 4 बजे के बाद भटूरे नहीं मिलते, तो भटूरे नहीं खा रहे अब, बहुत दुकान यहाँ कहीं दिख भी नहीं रही भटूरे की, तो अब समोसे वगैरह खा रहे हैं। अतुल खा रहे कचौड़ी, रजनीश और मैं खा रहे समोसे, मतलब ये रजनीश के मेरे जब पूछना है, और ये कचौड़ी खा रहा था। खाने पीने के बाद निकलते हैं फटाफट, तो सो गए फुल समोसे वगैरह मस्त खा लिए, समोसे खाने के बाद फिर रसमलाई वगैरह भी लगवा ली थी, तो अब बस घर की तरफ निकल रहे हैं भाई। बहुत फुल मज़ा आया यार, नहीं फुल मज़ा आया, एक नंबर। तो फाइनली द्वारका से बैठे थे और पहुंच चुके हैं अपने डीजे इनक्लेव, अपने मतलब कॉलोनी में, तो बस रोड पार करके अपनी गली में जाते हैं, फिर फटाफट गली में जा करके थोड़ी मस्ती वगैरह करेंगे, तो चलो चलते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, अरे भाई हटाना ये तौलिया, देख गजब बेइज्जती है। फाइनली गली में पहुंच चुके हैं, अब सब चीज़ें बंदा निकाल रहा है अपने बैग में से, लेकिन इसका बैग है ही, मैं पहले से घर पे लेके जाऊंगा बैग को। तो गाइस तो मैं भी फुल अपने मतलब घर से फुल मस्त मुँह हाथ धो करके आ चुका था, तो फुल ये पीछे दिख रहे कबूतर, मेरे कबूतर की छत है, मनीष भाई के कबूतर हैं, रजनीश के भाई के कबूतर हैं, तो फुल छत वगैरह पर खड़े हुए हैं, फुल शाम हो रही है, मस्त बढ़िया फील हो रहा है एकदम। तो सुबह आज के हमने ब्लॉग में देखा कि हम स्विमिंग पूल गए, फुल मस्ती करी वहाँ पर जा करके, तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, शायद मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हफ्ते में खाली एक ही ब्लॉग आ पाएगा, तो ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा कि 2-3 ब्लॉग लेके आ जाऊँ हफ्ते में, लेकिन शायद मेरे हिसाब से तो हफ्ते में एक ही ब्लॉग आ पाएगा, क्योंकि भाई मतलब कुछ सीन हो रहा है, तो वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, तो अभी मैंने रिवील नहीं करा इसमें, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। कोई नहीं, आपके लिए फुल तगड़े ब्लॉग लाते रहेंगे, आज ही आप सपोर्ट अपना बनाए रखो, और तब तक से बाय बाय।